बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ अहमद, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला में आज को मज़दार व्लॉग शुरू करा। उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल वेला में वो जल्दी सी सब्सक्राइब कर ले और जुड़ा रहे हो आज की मज़दार वीडियो के साथ। तो भाई साहब, आज हमने लगवाया गेट, गेट के अंदर गए फॉल्ट, फॉल्ट की मैंने बनाए रखी वीडियो। तो यार मर में अब शाम लोग कहीं छत पर पड़ो, वीडियो अपलोड हो रही है एक मेरी, मैंने कि चलो दूसरी वीडियो में भेज दे रहा हूँ आज, अपना व्यूवर दिखा दे रहा हूँ कि हमारा गेट में कहाँ फॉल्ट आए। यह के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यो है कि भाई तुम आइंदा कभी भी गेट लेन जाओ, कोई भी चीज़ ऐसी लेन जाओ, वह चंगी तरह चेक करो, अगला के ऊपर भरोसा मत करो। अगला के ऊपर भरोसा करोगे तो हमारे तरी जलील ही होगा। सुबह को मिस्त्री लगा रखो, वह पिछली वीडियो में तुम देख लियो, वो छोटी सी कंधी वो हुई है और एक जगह और ही बस ने तकरीबन लगा लियो 3 फुट प्लस्तर और 6 फुट हाइट ही ऊपर, इतनों काम हो मिस्त्री को तकरीबन 4 घंटा मिस्त्री वेलो घंटा मिस्त्री रहो वेलो बैठो, ठीक है। तो अगर सारा भाई इस चीज़ ने देख के गौर करके हर चीज़ तसल्ली से लेके आओ, बेशक थोड़ा सा जावे लगे टाइम, टाइम लग जावे वो वारा में जो हमारे तरी खच हो जावे, जलील हो जावे, अपने पे सारे कुछ दे देवे, वो हमारे वारा में ना है। तो लिहाजा कोई भी चीज़ है, एक दिन में गए हूँ ने खाई में सीमट लेन गए, बिजली लेन गए, साथ लेन गए चलो पैप, तो पैप के अंदर कहा हो यो भी पैप हीन घर ला देखो पैप पड़ो टूटो, वो कल टूटो पड़ो मैंने हूँ देखो ना, मैंने की चलो भी शापर चढ़ो पड़ो 1.5 फुट को टूटो हो वो, मैंने की यार ऐसे रख लियो मैंने हीन और देखो टूटो पड़ो, मैंने की तो तेरी ख्याल वापस लेके जाऊँगा, उन्होंने कहेगा भाई तू राह तोड़े है, ये तो कोई बात ना हुई। अब 2-3 जगह मेरे साथ ऐसा हो चुको है कि मैं चीज़ ले आऊँ बिगैर देखे अगला के ऊपर भरोसा करके, घर यार चेक करूँ या वह चीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट निकलिया है, लेकिन अब मेरी आदत गई है बन के अगला के। पर अगर मैं अब कोई भी चीज़ लेने जाऊँ, कुछ भी लेने ले जाऊँ हूँ ना, तो वह में मैं कहा करूँ हूँ वह में मैं सिर्फ इतना काम करूँ कि वह चीज़ तसल्ली कर लूँ, अगला अगर सही ना है तो भी रख ले अपनी चीज़, बेशक मैं थोड़ा सा पंद करना कर रो पड़े पंद कर वारा में ख़राब चीज़ कोई भी फॉल्ट हो, अक्सर रहवा भी चीज़ सस्ते दे रहे हम थोड़ा सा फॉल्ट है, सस्ती महंगी को कोई फ़र्क ना रहे, फ़र्क रहे चीज़ को, बेशक हम थोड़ा सा फॉल्ट कर लूँ थोड़ा सा बढ़ जावे फिर चलो कोई ना है। अब कुछ भाई ने तो मेरी बात समझ में आ गई होगी जिन्हें ना ही वे यार बार बार देखा वीडियो, और जो भाई फेसबुक पे देखा वे फेसबुक पेज फॉलो कर ले वहाँ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे जब वीडियो आगे शेयर भी कर दें, लाइक करो और कमेंट में बता करो कि तुमने वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, या तुम बोर हो तुमने कैसी वीडियो पसंद आ, बोलो लाजमी कमेंट करके। जो भाई यूट्यूब पे देख रहा हो वे भी यार कमेंट कर दे करो, कमेंट में तो हर कहा हो तकरीबन जितना भाई भी देखो, खैर इतना व्यूज़ तो भी ना वहाँ, लेकिन जितना भाई भी देखा हो ना नीचे कमेंट लाजमी कर दे करो कि भाई तेरी वीडियो हमारे नहीं सही ना लगी, तेने हीन से एक बात ही गलत कही है, हीन तो ये ही बात कहनी ही, ऐसा कमेंट नहीं कर देख रो जैसे हम पता चले कि मेरा व्यूवर लो ऐसी वीडियो चाहे तो मैं फिर वैसी वीडियो क्रिएट करूँ। जब तुम कमेंट करोगा मेरा भी थोड़ा सा अंदर का जज्बा उभरंगा कि भाई बाकी बंदे मेरी वीडियो देखे या मेरी बात ही सही लगे ही गलत लगे है, बस इतनी गुजारिश है मेरे सारा भाई ने क्या कि मेरी वीडियो में नीचे कमेंट भी कर देख रो, लाइक भी कर देख रो और हो सके तो शेयर भी कर देख रो भाई, जो मैं वो भाई देख रहा हूँ उनकी मेरा स्पेशल वीडियो है, ठीक है। अब तुम गेट वाली वीडियो देख लियो फिर अपन मिल रहा। देखो भाई साहब हमने गेट लगवाए हो, ठीक है, या गेट में देखो कितनों वायु आया पड़ो ऊपर की चादर में, नीचे की में और भी घनी जगह घनी सारो फॉल्ट है, देखो नीचे आ गया। अब ये देखो ही सो तो गेट अगर नीचे से हम कर रहा तो ये देखो कितनों फ़र्क आ रहा नीचे से, महसूस हो रहा है कि ना हो रहा फ़र्क, यह मारे में सारा भाई कह रहा हो कि भाई जो है ना ऐसे चीज़न देख के लेके आ करो, जब हम नीचे से कराँ तो ऊपर से फॉल्ट आ जाए, ऊपर से कराँ तो नीचे से आ जाए, अब मैंने मिस्त्री बस ऊपर करवाया नीचे आ गो, या साइड पे भी देखो कितना ज़्यादा वे सुराख आया पड़ा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बारी पे, बारी एक तो लगी पुठे पासे पड़ी है, या कोई कन्फर्म ना चाचा साहब ने आपने लगवाई है या उन्हें कारीगर साहब ने आपने लगा के दी है, तो यह बारी में भी घना सारा फॉल्ट है, ये देखो कितनों सारो वायु आ रो, बाहर से बंदो साफ देख सके मैं बाहर देख सकूं, ये चेक करो ऊपर से कितनी सुकड़ी होगी है, अब नीचे चेक करो हीन कितनों वायु आके फिर नीचे फिर वहाँ सुकड़ी करी है, और अब बाहर आ जाओ, अब तो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि बाहर कहाँ सीन है कहाँ ना है, इतको आ जाओ अब तुम, या मैं भी ऐसे सीन है
अब तो मैं दिखाऊंगा ही सु बारी को पर्स पड़ो टूटो बाहर आगा। अब इतको चेक करिए, गौर करिए गौर गेट के अंदर, ये नीचे से ऐसे लग रही है जैसे खुली पड़ी हो वे। कैमरा में पता ना है कि भी कैसे साफ नज़र आ रही है कि डहा रही है, लेकिन ना लाइव में काम ख़राब है। यार बाहर से गेट देख लो, जब कोई बाहर से देखने वाले नु कहेगा यार मिस्त्री गलती है या कारीगर की गलती है। इतको चेक करो कितनों वायो आ रहा है, घर के अंदर से कितनों देख रो है। तो ये गेट कम से कम यहाँ के बराबर तो गेट आना चाहवे नहीं, सो देखो दोनों घास सुकड़ी है वो डेढ़ डेढ़ इंच घर सारा भाई ने गेट वाली वीडियो देख ली होगी। तो देखो भाई साहब में कितना फॉल्ट है, अगर यहाँ में तो मैंने फॉल्ट ना देख रहा तो मैंने एक और गेट की तो मैं वीडियो दिखाऊंगा हमारे गुआंडी ने लगवाए हुए। तो जितना भी दोनों अमान देख के जा रही है, कोई ना कह रहे यार सेकंड हैंड है, कोई ना कह रहे यार ये बहुत ज़्यादा होड़ो गेट लगवा लिया। तो मैंने कमेंट करके बताना ये गेट सही है या गलत है, या मिस्त्री गलत है या जा कारीगर नहीं बनाए वो गलत है। तो आज की वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिए। मिलेंगे सुबह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।